नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारे नैनो स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। विराट कोहली हमेशा से चाहने वालों के बीच में बड़े मशहूर रहे हैं विराट कोहली, लेकिन अब विराट कोहली पर नया जुर्माना लगा है। जी हां, विराट कोहली जिनका मैच था किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, वहां पर विराट कोहली की जो टीम है वो 97 रन से हार गई थी, एक बड़े मार्जिन से हार गई थी। केएल राहुल ने उस मैच में शतकीय पारी खेली थी, साथ ही साथ विराट कोहली का उसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा, 2 कैच उन्होंने केएल राहुल के छोड़े, साथ ही साथ वो खुद 1 रन पर आउट हुए। आरसीबी को हार जरूर मिली, लेकिन वहीं पर एक बड़ी बात यह है कि विराट कोहली को जुर्माना देना पड़ा है इस मैच में खेलने का। अब जुर्माना क्यों है ये आपको बता देते हैं। देखिए, जुर्माना इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो विराट कोहली की टीम जो ओवर जिस रेट से जिस गति से वो ओवर फेंक रहे थे उनके बॉलर्स, वो बेहद स्लो था। जी हाँ, स्लो ओवर रेट के चलते उनको जुर्माना देना पड़ा है, और जुर्माना भी कोई ऐसा वैसा जुर्माना नहीं है, 12 लाख। जी हाँ, बड़ी रकम है, 12 लाख का जुर्माना उनको देना पड़ा है। 12 लाख का जुर्माना विराट कोहली यहाँ पर मैच ऑफिशियल्स को देंगे, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को ये जुर्माना जाएगा, बीसीसीआई में से इसका हिस्सा जाएगा, और साथ ही साथ विराट कोहली को ये जुर्माना अब जल्द से जल्द देना होगा। देखिए, बात यह है कि दुबई की जो गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान है, और जब वो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो एम्पायर्स कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मैच खत्म हो ताकि ज्यादा जो गर्मी का प्रेशर है वो प्लेयर्स पर ना पड़े, किसी की ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ा जो एक कारण है उस पूरी जद्दोजहद का, या फिर आप कह लीजिए पूरी परेशानी का प्लेयर्स के साथ, वो सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन है। तो वहां पर एम्पायर्स भी किसी को ढील नहीं दे सकते इस चीज के चलते, तो उन्होंने इस जुर्माने की शुरुआत कैप्टन कोहली से ही कर दी। भारतीय टीम के कैप्टन है विराट कोहली और आरसीबी की भी कमान संभालते हैं, तो विराट कोहली एक तो खुद तो प्रदर्शन खराब रहा, मैच में दिन ही नहीं था उनका, और साथ ही साथ अब उन्हें 12 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा, तो ये बड़ी खबर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ जाते जाते हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब।